हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 सम नंबर 7। आकृति 6.38 में ट्रायंगल एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ट्रायंगल एईपी समरूप है ट्रायंगल सीडीपी के। दूसरा, ट्रायंगल एबीडी समरूप है ट्रायंगल सीबीई के। तीसरा, ट्रायंगल एईपी समरूप है ट्रायंगल एडीबी के। फोर्थ या चार, ट्रायंगल पीडीसी समरूप है ट्रायंगल बीईसी के। इस बच्चों ट्रायंगल ये हमें बना के दे रखी है इसने। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल एईपी पीडी इस बच्चों सॉरी बच्चों जो आकृति है ना ये वाली आकृति नहीं है बच्चों। मैंने आज जो आकृति है ये वाली मैंने गलत उतार ली बच्चों। ये वाली आकृति सिस्टम की नहीं थी। अब जो बनाऊंगा ना बच्चों वो वाली इसमें मैच करेगी। मतलब आकृति इसमें दे रखी थी 6.38 एक लाइन बच्चों बेस लाइन जिसका नाम ए बी था। ए बी लाइन बेस लाइन थी ठीक है। इसके ऊपर इस तरीके से ट्रायंगल बनाई हुई है जिसका नाम ए बी सी ट्रायंगल है। क्या नाम है बच्चों? ए बी सी ट्रायंगल। सी से ए बी पर लंब डाला गया। सी से ए बी पर लंब डाला गया जिसका नाम ई है। ई सी लंब ए बी डाला गया और ए से बी सी पर लंब डाला गया। ए से बी सी पर लंब डाला गया जिसका नाम डी है। जिसका नाम क्या बच्चों? डी। अच्छा, जो शीर्ष लंब है बच्चों ये शीर्ष लंब कहलाएंगे क्योंकि ए ये शीर्ष बिंदु है बच्चों। शीर्ष बिंदु से दोनों डाले गए लंब बिंदु पी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ये दो त्रिभुज बन रही है ठीक है। पहले हमें प्रूव करना है कि एईपी ट्रायंगल क्या इसके समरूप है। किसके समरूप बच्चों? सीडीपी के। किसके समरूप है? दूसरा बच्चों हम जैसे लिखते रहेंगे या समझाते रहेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमने जो प्रूव करना ना उसको उतार लेते हैं। सबसे पहले बच्चों दिया है। दिया क्या बच्चों? जो हमें दे रखे हैं बच्चों कि ये दोनों शीर्ष लंब बच्चों इतने ही दिया है। अगर बच्चों जैसे अगर ये शीर्ष लंब है ना, अगर सी शीर्ष लंब है एबी के ऊपर तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना देगा? 90 डिग्री का कोण बना देगा। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पर भी 90 का बनाएगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा ठीक है। मैं इन दोनों को ट्रायंगल को मान लूंगा। माना या इसका हल करना शुरू करते हैं बच्चों। हल करने के लिए बच्चों ये दोनों त्रिभुज को लेके चलना पड़ेगा कि त्रिभुज एईपी त्रिभुज एईपी तथा त्रिभुज सीडीपी में इन दोनों त्रिभुज में बच्चों अगर मैं इन दोनों त्रिभुज की बात करता हूं तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इसकी इसके बराबर है क्योंकि दोनों 90 डिग्री की है। इस त्रिभुज का ये वाला कोण दोनों बच्चों बराबर है क्योंकि ये कौन सी कोण है बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण है बच्चों। अगर दो त्रिभुज के हम दो कोण बराबर दिखा पाते हैं तो वे बच्चों त्रिभुज कौन से होती है बच्चों? समरूप होती है। कौन सी त्रिभुज बच्चों होती है बच्चों? समरूप होती है। तो यस बच्चों एईपी त्रिभुज का कोण ही किसके बराबर है? किसके बराबर बच्चों? कोण डी के। किसके बराबर? कोण डी के। क्यों बराबर है बच्चों? दोनों कितने कितने डिग्री के है? 90 डिग्री के है। एईपी त्रिभुज का कोण एपीई बराबर है सीपीडी के। किसके बराबर है बच्चों? कोण सीपीडी के। क्यों बराबर है बच्चों? ये दोनों कोण है शीर्षाभिमुख कोण। यस बच्चों, अगर हम किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर दिखा पाते हैं तो वे दोनों कोण दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप होती है। इसलिए त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज सीडीपी के। नियम आ जाएगा बच्चों एंगल नियम द्वारा दोनों बच्चों त्रिभुज कौन सी है? समरूप है। यस बच्चों, अब हम मान लेते हैं दूसरा रिजल्ट है त्रिभुज दूसरा में बच्चों त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज सीबीई में। अब इन दोनों त्रिभुज में बच्चों एबीडी यस बच्चों एबीडी त्रिभुज तथा सीबीई में सीबीई में इन दोनों त्रिभुज में बच्चों एक तो बच्चों ऐसे बन रही है
और बच्चों एक ऐसी बन रही है, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूँ तो इसका कोण डी, और मैं इस त्रिभुज की बात करता हूँ बच्चों तो इसका कोण ए, दोनों बच्चों दो 90 डिग्री के हो गए। और इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में जो कोण भी है ना बच्चों दोनों का समांतर कोण हो गया। बच्चों हमने दो कोण इसमें बराबर दिखा दिए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। तो एबीडी त्रिभुज का, एबीडी त्रिभुज का कोण डी कौन सा बच्चों, कोण डी ये वाला, एबीडी त्रिभुज का कोण डी, और सीईबी या सीबीई त्रिभुज का कोण ई बराबर बराबर है। क्यों बराबर बराबर बच्चों, दोनों कोण 90 डिग्री की है, कितने कितने डिग्री के बच्चों कोण है 90 डिग्री की है। और इसी त्रिभुज का एबीडी त्रिभुज का कोण भी, इस त्रिभुज का कोण भी कोण बी के बराबर है। क्यों बराबर है, दोनों के संजे कोण है, संजे कोण, संजे का मतलब बच्चों दो कोण एक ही होती है, इसलिए त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज सीबीई के नियम लग जाएगा बच्चों, एंगल एंगल नियम द्वारा। यस बच्चों अब हम चलते हैं आपके तरफ तीसरे रिजल्ट पर। तीसरे रिजल्ट में क्या पूछा है, तीसरे पूछा है कि क्या त्रिभुज एईपी समरूप है एडीबी के, एईपी समरूप है एडीबी के, एईपी एईपी ये वाले त्रिभुज क्या समरूप है एडीबी के। यस बच्चों इस छोटी का जिक्र है और इस बड़ी वाली का जिक्र है बच्चों, तो बच्चों की इसमें बात करें ना तो इस छोटे वाले त्रिभुज का कोण ये वाला ई वाला और इसका डी, दोनों 90 के हो गए बच्चों। और ये वाला जो कोण है बच्चों, ये वाला कोण दोनों का संजा कोण हो गया। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए त्रिभुज, अब मान लेते त्रिभुज एईपी, एईपी तथा त्रिभुज एडीबी में, त्रिभुज एडी एडीबी में एईपी का, एईपी का कोण इस त्रिभुज का कोण बच्चों ई, इसके बराबर है कोण डी के। क्यों बराबर है बच्चों, दोनों कोण 90 डिग्री की है। इस त्रिभुज का कोण बच्चों ए, इसका ए बराबर है कोण ए के। क्यों बराबर है बच्चों, दोनों के सांझे कोण है, कौन से कोण है बच्चों सांझे, दोनों के सांझे कोण है, इसलिए त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज एडीबी के। कौन सा नियम लग जाएगा बच्चों, एंगल एंगल नियम लग जाएगा। ठीक है अब हम चौथे पे चलते हैं बच्चों, फोर्थ में क्या गिवन है, फोर्थ में पूछा है पीडीसी समरूप है बीईसी के, पीडीसी पीडीसी इस त्रिभुज का को समरूप दिखाना बच्चों इस बड़ी वाले के साथ में। तो कैसे दिखाएंगे, इस छोटे वाले का बच्चों ये वाला अंतर वाला कोण ये डी है ना, ये इसके बराबर है क्योंकि दोनों 90 के हो गए, और जो इसमें सी वाला कोण ना बच्चों दोनों का संजा कोण हो गया, तो ये बच्चों दोनों समरूप हो जाएगी। तो अब लिखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज पीडीसी, पीडीसी तथा त्रिभुज बीईसी में, त्रिभुज बीईसी में दोनों त्रिभुज में बच्चों पीडीसी त्रिभुज की बात करते हैं, पीडीसी पीडीसी त्रिभुज की बात करते हैं तो इसका कोण डी किसके बराबर है बच्चों, ई के बराबर है, किसके बराबर बच्चों ई के बराबर है, क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री की है। और इस त्रिभुज की बात करें बच्चों तो इसका सी कोण इसके सी के बराबर है, क्यों बराबर है, दोनों सांझे कोण है, कौन से कोण है बच्चों सांझे कोण है। ठीक है तो इसलिए त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी के, नियम लग जाएगा बच्चों एंगल एंगल नियम द्वारा बच्चों दोनों त्रिभुज कौन सी हो जाएगी, समरूप हो जाएगी बच्चों। तो यस बच्चों इसी इसमें बच्चों मैंने इतना ही प्रूव करना था। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर, सवाल नंबर 8। यस बच्चों अब हम आपके लिए लेके आए हैं आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 8। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है और बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि ए बी ई समरूप होगा ट्रायंगल सी एफ बी के। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, सबसे पहले बच्चों हम समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बना लेते हैं। ये चतुर्भुज बनती है बच्चों समांतर चतुर्भुज जिसका नाम ए बी सी डी है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है की बढ़ाई गई भुजा ए डी,
बढ़ाई गई भुजा, इस बच्चों अब हम AD को बढ़ा देंगे, AD को बढ़ा देंगे बच्चों, बच्चों ये ऊपर जाके बढ़ेगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर हो वह समांतर चतुर्भुज होता है, इसका नाम बच्चों ABCD है। ABCD इस बच्चों AD को बढ़ा दिया गया है, AD को बढ़ा दिया गया बच्चों, ठीक है बढ़ा दिया गया AD पर स्थित E एक बिंदु है। ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है, BE भुजा CD को, BE यस बच्चों E यहाँ पे कोई बिंदु है, BE भुजा B को E से मिला दो, E को B से मिला दिया, ठीक है BE भुजा CD को F पर, ये बिंदु F बच्चों F पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि ABE ABE ये त्रिभुज बच्चों ABE त्रिभुज समरूप है CFB के, CFB के इसके बच्चों समरूप दिखाना है, इस बच्चों समको स्टार्ट करते हैं। दिया है सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है इस बच्चों क्या दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, क्या दिया बच्चों ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इस बच्चों ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करना है इस बच्चों क्या सिद्ध करना हमें, सिद्ध करना है ABE त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के, ठीक है। तो बच्चों चलते परमाणु या हल पर, परमाणु सबसे पहले बच्चों लिख देते हैं हम समांतर चतुर्भुज ABCD में, समांतर चतुर्भुज ABCD में हमें ये पता है बच्चों समांतर चतुर्भुज में जो समूह कोण होते हैं ना बच्चों, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होती है, इस बच्चों ये इसका समूह बनता है, मतलब कोण A बराबर है कोण C के, और पूरा कोण जो B है ना B के बराबर है, बट हमें इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी बच्चों, इस कोण की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्यों रहेगी बच्चों, हमने ना इस त्रिभुज को इस छोटी त्रिभुज के बराबर दिखाना है, कैसे दिखाएंगे बच्चों, इसका बच्चों ये वाला जो कोण है ना ये कोण दोनों बराबर हो गए, क्यों बराबर हो गए, क्योंकि दोनों के समकोण हो गए, कौन से कोण हो गए बच्चों, दोनों के समकोण हो गए। एक कोण और दिखाना बच्चों जो दोनों का बराबर कोण होना चाहिए, एक ये वाला रहे बच्चों, क्योंकि जो ए ई ना बच्चों ए ई समांतर इसके है, ये बच्चों इसके समांतर हो गई, ठीक है, ये वाली एक तिर्यक रेखा हो गई, कौन सी रेखा हो गई बच्चों, एक तिर्यक रेखा हो गई, इसलिए इसका जो ये वाला कोण है ना, इसका ये वाला कोण है और इसका ये वाला कोण बराबर है, क्यों बराबर है बच्चों, क्योंकि दोनों के एकांतर कोण है, कौन से कोण हो गए बच्चों, ये एकांतर कोण है, अगर बच्चों दो रेखा समांतर हो, ये कोई तिर्यक रेखा हो, तो जो ये वाले कोण होते हैं ना बच्चों, ये वाले कोण होते हैं समांतर एकांतर कोण, कौन से कोण होते हैं बच्चों एकांतर कोण, इसलिए दोनों कोण ये बराबर हो जाएंगे, अगर ये दोनों कोण बराबर है ना बच्चों, तो ये छोटी वाली त्रिभुज और ये बड़े वाले त्रिभुज समरूप हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर कोण C के, इसमें क्या बच्चों क्या निकाल लिया हमने, कोण A बराबर है कोण C के, क्यों बराबर है, क्योंकि ये समूह कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज के, अब बराबर होते हैं समूह कोण, कोण A बराबर है कोण C क्यों बराबर है, समूह कोण है, और इसका अच्छा और भी बच्चों, क्योंकि AE समांतर है BC तथा
तथा बीई एक तिर्यक रेखा है, बीई एक तिर्यक रेखा है, इसलिए बच्चों इसलिए इसका कोण डीईएफ है। यस बच्चों इसका कोण डीईएफ बराबर है CBF के। किसके बराबर बच्चों कोण है CBF के। क्यों बराबर बच्चों? क्योंकि दोनों के एकांतर कोण है। कौन से कोण है बच्चों? ये एकांतर कोण। इस बच्चों ये दोनों इसको हम एक मान लेंगे, इसको हम दो मान लेंगे, ठीक है। अब हम जिसको जो प्रूव करना ना बच्चों उसको उसी को उठा लेते हैं। अब त्रिभुज एबीई तथा त्रिभुज सीएफबी में एबीई त्रिभुज का बच्चों एबीई त्रिभुज का बच्चों कोण है एबीई त्रिभुज का कोण ए किसके बराबर है? ए बराबर है कोण सी के। किसके बराबर बच्चों? कोण सी के। क्यों बराबर बच्चों? ये कोण से कोण थे एकांतर कोण सम्मुख कोण थे। यह समीकरण बच्चों एक से कहां से बताए बच्चों? ये समीकरण एक से हमने प्रूव कर रखा है। समीकरण एक से ये दोनों कोण कोण से थे बच्चों? सम्मुख कोण थे। इस त्रिभुज का बच्चों एबीई त्रिभुज का कोण डीईएफ बराबर है कोण CBF के। क्यों बराबर बच्चों? दोनों के लिए वाले एकांतर कोण थे। या फिर बच्चों हमने समीकरण नंबर दो में प्रूव कर रखा है कि दोनों कोण के बराबर है। अगर बच्चों दो त्रिभुज के दो कोण हमने बराबर दिखा देते हैं ना तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होती है। क्या होती है बच्चों? दोनों त्रिभुज समरूप। तो इसलिए त्रिभुज एबीई समरूप है त्रिभुज सीएफबी के। नियम आ जाएगा बच्चों एंगल नियम द्वारा दोनों बच्चों त्रिभुज समरूप हो चुके। तो यस बच्चों यही हमें सिद्ध करना था। तो आप लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिख देंगे बच्चों? इति सिद्धम। यही हमें बच्चों सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों। आज इस वीडियो में दो ही सम करते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।